जनपद में 30 जनवरी को एमएलसी चुनाव होना है और एमएलसी चुनाव को लेकर आज रिजर्व पुलिस लाइन में मीटिंग आयोजित हुई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एमएलसी चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसको लेकर आज पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 29 जनवरी रविवार को पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर से दोपहर 2 बजे रवाना होंगी। साथ ही पूरे जनपद में 16 सेंटर हैं, 39 बूथ हैं और 32,000 वोटर। देखिए, जो बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होना है, 30 तारीख को निर्वाचन होना है, 29 तारीख को कलेक्ट्रेट से 2 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी पुलिस बल के साथ। 30 तारीख को प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक चुनाव होगा। चुनाव के बाद सारी मतपेटियां कलेक्ट्रेट में जमा होंगी, फिर यहां से सारी मतपेटियां बरेली भेजी जाएंगी, जहां अंतिम रूप से आगे मतगणना 2 तारीख को कराई जाएगी। तो इसके लिए आज पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई, उनको बताया गया कि किस तरह से पारदर्शी ढंग से पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना है। पूरे जनपद में 16 सेंटर हैं, 39 बूथ हैं और 32,000 वोटर हैं, तो पूरी व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर मिनिमम जो फोर्स है कम से कम 10 लोगों की है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा हर सेंटर पर हमें हमारी पीएससी भी लगी है और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 8 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी लगे हुए हैं, तो पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोग निष्पक्ष रूप से अपने मतदान के अधिकार का। इस मौके पर एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह, एसपी सागर जैन, सीओ सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।